राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति मजदूर संघ की बैठक बुधवार को नया परिसदन भवन में संपन्न हुई। बैठक में न्यूनतम मजदूरी पर चर्चा के साथ साथ जिला कमेटी का गठन भी किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति मजदूर संघ के राष्ट्रीय महासचिव सह झारखंड प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार सोनी एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रदेश महामंत्री आर्यन वर्मा उपस्थित हुए। यहां इस बैठक की अध्यक्षता पूर्व जिला अध्यक्ष जागेश्वर साहू ने किया। बैठक में गिरिडीह जिले के 13 प्रखंड से 5-5 प्रतिनिधि उपस्थित हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नवनियुक्त डोर स्टेप डिलीवरी के ठेकेदारों के साथ बैठक हुई। बैठक में न्यूनतम मजदूरी को लेकर चर्चा हुई। इसी संदर्भ में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को उनके समक्ष रखा। इस बैठक में लगभग 75 लोग उपस्थित हुए, जिसमें सर्वसम्मति से जिला कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में योगेश्वर साहू को जिला अध्यक्ष, सीताराम तुरी को कार्यकारी अध्यक्ष, संतोष कुमार को कोषाध्यक्ष, निरंजन यादव को महामंत्री बनाया गया।